नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर आई है निकल के पूरे देश के लिए। हाँ जी, ऐश्वर्या राय बच्चन जो एक एक्ट्रेस है उसको चली गई है अभी दिल्ली, जहां ईडी ने ऐश्वर्या राय से 6 घंटे तक पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से 2016 के पनामा पेपर लीक मामले में जुड़े एक मामला था, जहाँ पर 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभिनेता अमिताभ बच्चन और सपा सांसद जया बच्चन की पुत्रवधू से पूछताछ ईडी द्वारा उनके पति अभिषेक बच्चन व अन्य मामले में पूछताछ के लिए कुछ सप्ताह बाद हुई थी। ईडी के फेमा में प्रावधानों के तहत ऐश्वर्या राय का बयान दर्ज किया गया है। पूर्व मिस वर्ल्ड मध्य दिल्ली में जामनगर हाउस में एजेंसी कार्यालय में शाम को ही 7 बजे के लिए निकली थी। अभिनेत्री को ईडी कार्यालय के पिछले दरवाजे में एक सफेद कार में ले जाया गया और मीडिया कर्मियों से भीड़ से दूर रखा गया। सूत्रों के अनुसार ऐश्वर्या राय ने मामले में एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे गए हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट द्वारा पनामा की कानूनी फेम मोसेगो फोस्को रिकॉर्ड में जांच से जुड़ा है, जिसे पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें विश्व के कई नेताओं हस्तियों के सन्नाम भी सामने आए हैं। कथित तौर पर देश के बाहर कंपनियों में पैसा लगाया गया था। ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में भी ISSJ ने कहा है कि अभिनेत्री ब्रिटिश वर्जन आईलैंड BVI 2005 में बनी एक विदेशी कंपनी से जुड़ी थी। अभिनेत्री के परिवार ने इस विदेशों में कंपनी का हिस्सा बताया था दोस्तों, जो 2008 में भंग हो गई थी।